हेलो बच्चों, आज हमारा क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 11 है और आज की क्लास में हम अपने थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पहले ये बताइए कि तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद करते हैं कि अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाए बच्चों। ठीक है, चलिए क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 11 स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसी थर्मोडायनामिक्स से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इन तीन चीज़ों की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की। हालांकि इसकी बात भी हम कर चुके हैं, मैं बहुत डिटेल में इसकी बात नहीं करूँगा, सिंपल इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ अपने पास में आता है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। स्टूडेंट, हमारे पास में ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, यानी किसी भी सिस्टम को हम जो टोटल हीट देते हैं वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक, उस हीट का कुछ हिस्सा उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में खर्च हो जाता है, और दूसरा वर्क करने में, पिस्टन को ऊपर उठाने में और पिस्टन को नीचे गिराने में खर्च हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, अगर हम किसी सिस्टम को टोटल हीट डेल्टा क्यू देंगे या डेल्टा क्यू हम उससे लेंगे, तो वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा बच्चों। एक रहेगा डेल्टा यू और एक रहेगा डेल्टा डब्लू, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये हमारे पास में स्टूडेंट, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमारे पास में टोटल हीट का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, डेल्टा क्यू का हमारे पास में जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, वह है एन सी डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू का बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास में। डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वह है एन सी वी डेल्टा टी। स्टूडेंट, डेल्टा यू का फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा डब्लू का फॉर्मूला है पी डी वी या एन आर डेल्टा टी या डी टी। कुछ इस तरीके से थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की हम लोग बात करेंगे। ठीक है यार, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें और नहीं जाएंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, वैसे तो आज हमारा प्लान था कि हम आपको इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स कराएं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आते हैं यहाँ से, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उन प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत सारी जगह प्रोसेस का यूज़ किया गया है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का यूज़ किया गया है। लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, और सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे बच्चों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। इन सब की बात उसके अंदर कर रखी है, तो पहले हम लोग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट, जो पहला प्रोसेस हमारे पास में आता है, हमें उन प्रोसेस के मेन रिजल्ट्स पढ़ने हैं, ऐसे रिजल्ट पढ़ने हैं कि जिन्हें हम लोग याद कर सकें और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकें। जो पहला प्रोसेस अपने पास में आता है बच्चों, उस प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं पॉइंट बनाकर पूरी कहानी आप लोगों को समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस बात को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पहला प्रोसेस हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस का आता है बच्चों। देखिए क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल नाम से ही क्लियर हो गया स्टूडेंट, ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो यानी कांस्टेंट और थर्मल यानी टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है वो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। ये बच्चों हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो अगला नंबर बच्चों हमारे पास में आता है वो है प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन, प्रोसेस इक्वेशन है बच्चों हमारे पास में प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखें
कोई भी प्रॉब्लम अगर आप ऐसी देखें जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है, वहां हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन है बच्चों पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में आप देखते हैं बच्चों कि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जहां हमें आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन दे देते हैं कि भाई यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, क्या तो आप प्रेशर निकालिए या वॉल्यूम निकालिए। तो मैं कहूंगा यार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि P1V1 P2V2 के बराबर है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम फाइनल प्रेशर वॉल्यूम के बराबर है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या निकलती है स्टूडेंट, जरा हम लोग देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। दूसरी कंडीशन है प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2। भाई ये भी हमारे पास में एक आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यार इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस इक्वेशन क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक इक्वेशन ये है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन ये है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है। ये इक्वेशन बच्चों बनाई गई है बॉयल्स लॉ से। क्यों बनाई गई है बॉयल्स लॉ से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इसी यूनिट के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने KTG वाला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया बॉयल्स लॉ तब काम करता है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। अगर बॉयल्स लॉ टेम्परेचर के कांस्टेंट पर काम करता है या कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करता है, यानी बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस में काम करता है, तो हमने बॉयल्स लॉ में सभी ग्राफ वगैरह की अच्छे से बात कर ली है, तो यहाँ ग्राफ की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ मैंने आपको प्रोसेस इक्वेशन बताई, इतना आप याद रखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर ही हमारा डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ठीक है। देखो अगर प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, एक ग्राफ हम यहां बना देते हैं, ये प्रेशर है और ये डेंसिटी है। बस ये समझ लो कि सारे रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने आपको थाली में परोस रहा हूं। आपका काम सिर्फ इतना है कि सारे रिजल्ट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ना है, समझना है और फिर क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जहां पर DPP होगी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, वहां आप लोग इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा जो मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़ाया है उसके लिए आप थोड़ा वेट करिएगा। ओके, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बच्चों ये हमारे सारे रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी तक बहुत मामूली सी बात हम लोगों ने की है, जो आपके सामने लिखी हुई है आपको इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास में आता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व बच्चों, स्लोप क्या होगा जरा समझें आप, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम, ठीक है। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहां एक ग्राफ प्लॉट किया, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एंगल बन गया बच्चों हमारे पास में थीटा। भाई स्लोप हम जानते हैं यार, या जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान दें, वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देंगे, dp अपॉन dv ये बन जाएगा स्टूडेंट स्लोप। और आइसोथर्मल के स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस के प्रेशर अपॉन वॉल्यूम,
y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, या मैं लिख सकता हूं कि dp अपॉन dv, dp अपॉन dv इज इक्वल टू tan थीटा। ये वाला एंगल जो थीटा दिख रहा है ना, अगर मैं इसे tan के साथ रखूं तो ये बन जाएगा tan थीटा y का कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड स्लोप, और इस स्लोप की वैल्यू रहने वाली है बच्चों माइनस प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, माइनस के प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का स्टूडेंट स्लोप है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको आइसोथर्मल के लिए अभी तक बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ बात तो समझ में आई होगी। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, जैसे बर्फ का मेल्ट होना, ये जो बर्फ पिघलता है ना बच्चों, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब बर्फ ऐसे तो होता नहीं कि यार एकदम से मेल्ट कर जाता है, धीरे 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 मेल्ट होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस इक्वेशन है प्रेशर के और वॉल्यूम के टर्म में, ये प्रोसेस इक्वेशन है प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में, ये इनके ग्राफ है और ये इसका स्लोप है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं कि स्लोप के ऊपर क्वेश्चन कभी कभार तो बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है, आपको प्रेशर दे दिया, आपको वॉल्यूम दे दिया, स्लोप बताओ कितना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व का, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्लोप की वैल्यू है, आप ध्यान रखेंगे माइनस, माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ग्राफ का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर, आप इन्हें सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ओके बच्चों। अगर हम लोग आगे बात करें स्टूडेंट, तो स्लोप के बाद अगला नंबर बच्चों हमारे पास में आता है इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, बिल्कुल ध्यान से, इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले आप देखो कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बच्चों आपको समझना होगा बिल्कुल ध्यान से। स्ट्रेस का दूसरा मतलब होता है डीपी से, बच्चों डीपी यानी प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर इस चैप्टर में बराबर है, ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम है, तो मैंने स्ट्रेस की जगह लिख दिया है डीपी, स्ट्रेन की जगह मैंने लिख दिया है बच्चों डीवी अपॉन वी, और इस वैल्यू बन जाएगी बच्चों हमारे पास में माइनस प्रेशर, यानी आइसोथर्मल की जो इलास्टिसिटी होगी बच्चों वो रहनी है माइनस प्रेशर। ये हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस की इलास्टिसिटी कहलाएगी, इतनी इलास्टिसिटी होनी है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। स्लोप मैंने कितना बताया माइनस प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, और इलास्टिसिटी कितनी है माइनस प्रेशर। देखो बच्चों हमारा क्रैश कोर्स का प्रोग्राम है, तो मेरे पास में भी इतना समय नहीं है कि मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में जाकर आप लोगों को बता सकूं, और ना ही आपके पास में इतना समय है कि आप उसे डिटेल में जाकर समझ सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्चुअल बेस्ड हैं और आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, वैसे तो ये भी सारी चीज़ें समझने की हैं, लेकिन अगर आप इन्हें याद भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो कोशिश करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबेटिक या आइसोबैरिक या आइसोकोरिक की सभी कंडीशंस को ध्यान से समझकर उन्हें याद किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में इलास्टिसिटी है। अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास में आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल, बच्चों अगला पॉइंट हमारे पास में बनता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल। अब आप एक बात बताइए यार, आइसोथर्मल का मतलब है क्या? आइसो माने कांस्टेंट, थर्मल यानी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का चेंज कितना है? जीरो। समझ आ रही बात? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का भाई चेंज कितना होगा यार, यहां पर भी पांच, यहां पर भी पांच, फाइव में से फाइव को माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। टी का मतलब टेम्परेचर और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब है कि टेम्परेचर कितना बढ़ा या कितना घटा। जब टेम्परेचर है ही कॉन्स्टेंट तो वो कहां से बढ़ा और कहां से घटा, ना बढ़ा ना घटा,
तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर का चेंज जीरो के बराबर है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो डेल्टा टी है ये अपॉन में डिनोमिनेटर में है या नहीं है? बिल्कुल डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू एन जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब है बच्चों स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो गई है इनफाइनाइट। जो स्पेसिफिक हीट हो गई है वो इनफाइनाइट हो गई है। आइसोथर्मल की स्पेसिफिक हीट है इनफाइनाइट, आइसोथर्मल की इलास्टिसिटी है इतनी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई गैस है, उस गैस का इनिशियल वॉल्यूम है इतना वी वन, और कुछ देर के बाद में उस गैस का वॉल्यूम हो जाता है इतना वी टू। और चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो टी ही रहेगा, क्यों भाई रहेगा या नहीं रहेगा। एक गैस का वॉल्यूम वी वन से वी टू हो जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक गैस शुरुआत में इतनी सी जगह में कन्फाइन थी, कुछ देर के बाद में वो गैस इतनी जगह में फैल जाती है। पहले वॉल्यूम वी वन था, अब वॉल्यूम वी टू है। अब चूंकि हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं बच्चों, आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, जरा ध्यान से, आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना वर्क हमें करना पड़ेगा 2.303 nRT log V2 upon V1। 2.303 कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, log V2 upon V1, V2 यानी फाइनल टेम्परेचर और V1 यानी इनिशियल टेम्परेचर, और log में ना बच्चों, log में यहां बेस में 10 है, ध्यान रखिएगा बेस 10। ठीक है, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। इसी का एक और फॉर्मूला बच्चों मैं बना सकता हूं, और वो है ये 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, और यहां भी बेस में 10 है। एक वर्क का फॉर्मूला हमारे पास में वॉल्यूम के टर्म में है, और एक वर्क का फॉर्मूला हमारे पास में प्रेशर के टर्म में है। ध्यान देना है भाई, भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम के टर्म में है, ये प्रेशर के टर्म में है, दोनों में बदलाव सिर्फ इतना है, यहां V2 अपॉन V1 है और यहां P1 अपॉन P2 है बच्चों। ठीक है, बाकी बच्चों बात वही है, अगर गैस हमारी एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क रहेगा पॉजिटिव, और अगर गैस हमारी कंप्रेस्ड होगी तो वर्क रहना है नेगेटिव। बाय द गैस पॉजिटिव, ऑन द गैस नेगेटिव। बाय द गैस का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क पॉजिटिव है। ऑन द गैस का मतलब है कि वर्क घट रहा है, यानी सॉरी ऑन द गैस का मतलब है कि वॉल्यूम घट रहा है, यानी वर्क हमारा नेगेटिव है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे सारे रिजल्ट हो गए। पिछली स्लाइड में हमने आपको आइसोथर्मल की डेफिनेशन बताई, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रोसेस की स्पीड बहुत स्लो, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे से होता है। प्रोसेस इक्वेशन बताई, प्रोसेस इक्वेशन P1V1 इज इक्वल टू P2V2, फिर P1 अपॉन रो 1 प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। स्लोप हमने आपको बताया, स्लोप के बाद में आपकी इलास्टिसिटी हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई, और बच्चों ये हो गया है वर्क डन। अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम के बढ़ने की बात होगी आइसोथर्मल में तो वर्क को आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर घटने की बात होगी तो वर्क को आप नेगेटिव लेंगे। इतनी सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, क्रैश पढ़ रहे हो, याद रखनी पड़ेगी सभी चीजें, अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठो, और जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं फटाफट अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते जाओ, और उन सभी चीजों को 2 या 3 बार लिखकर देखो। देखो यार, अगर एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, तुम्हारे अंदर से उबाल आना बहुत जरूरी है।
अगर अंदर से नहीं आएगा ना तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा अपने आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम लोगों को अपने काम को लेकर चलना है। ठीक है, चलिए अभी आइसोथर्मल में ही हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, बस लास्ट कंडीशन है, आप ये समझिए आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर है कांस्टेंट और डेल्टा टी भी है जीरो के बराबर। टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों और डेल्टा टी हमारा जीरो के बराबर है। बच्चों हमारे पास में एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज है ना बच्चों डेल्टा यू, इसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, अगर आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो हो गया, ना तो टेम्परेचर बढ़ा ना टेम्परेचर घटा, अब जो गैस होती है ना बच्चों, तो गैस के मॉलिक्यूल का जो एनर्जी सोर्स है वो टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ही नहीं बदला तो क्या उन मॉलिक्यूल की एनर्जी बदली? बिल्कुल नहीं बदली। मॉलिक्यूल की एनर्जी तब बदलती है जब गैस का टेम्परेचर बढ़ता है या गैस का टेम्परेचर घटता है। ठीक है, सो बच्चों मैंने रखा डेल्टा टी की जगह जीरो, तो मेरा डेल्टा यू भी जीरो आ गया है। यानी आप ये समझिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फोर, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू मेरा जीरो होना है। अब मैंने आज की ही क्लास में, कल की बात अगर मैं ना भी करूं तो मैंने आज की ही क्लास में आपको ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ाया बच्चों कि टोटल हीट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब तुम एक बात देखो, फोर आइसो थर्मल प्रोसेस, फोर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना रहना है बच्चों? जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो होगा स्टूडेंट, तो जब मैं डेल्टा यू की जगह जीरो रखूंगा तो सीधा डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? सीधा डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी वर्क और हीट आपस में बराबर होगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा है आइसोथर्मल प्रोसेस है, इतना वर्क करना पड़ रहा है, बताओ हीट कितनी होगी? तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, अगर वर्क जितना भी वर्क होगा उतनी ही हमारी हीट होगी। अब आप ये देखिए कि मैंने वर्क का क्या फॉर्मूला निकाला था, मैंने वर्क का फॉर्मूला निकाला था स्टूडेंट ये 2.303 NRT log 10 V2 upon V1, या मैंने वर्क का फॉर्मूला निकाला था स्टूडेंट 2.303 NRT log P1 upon P2। ठीक है, यही तो हमारे वर्क का फॉर्मूला है और यही हमारे हीट का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी बातें आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर हैं, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी चीज़ों को आप नोट करेंगे और नोट करके अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ओके, एक छोटी सी बात और बताता हूँ बच्चों मैं आप लोगों को, आइसोथर्मल की पहचान हम कैसे करने वाले हैं, देखो आप लोग ध्यान से, आइसोथर्मल की पहचान हम करने वाले कैसे हैं? प्रेशर वॉल्यूम, अगर प्रेशर वॉल्यूम में कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ना बच्चों, तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, हम पहचान कर लेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरी बात, इधर प्रेशर है इधर टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर से 90 डिग्री का एंगल बना, गलत हो गया, इधर प्रेशर है इधर टेम्परेचर है स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग, अगर मैंने कुछ इस तरीके का एंगल ये बनाया, ये 90 डिग्री है, सीधा टेम्परेचर से 90 डिग्री बना रहा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी जिस लाइन जिससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वही टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी आइसोथर्मल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके बच्चों, तो हमने पूरी बात आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर कर ली है, अब अगला नंबर जो स्टूडेंट हमारा आना है वो एडियाबेटिक प्रोसेस को लेकर।
तो स्टूडेंट हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर ली है, अब हमें बात करनी है एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशंस उसके अंदर काम करने वाली हैं, क्या क्या पॉइंट निकल कर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास में जो टॉपिक आता है स्टूडेंट वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो बेसिक डेफिनेशन है स्टूडेंट वो ये है, हीट का जो इंटरचेंज है वो जीरो के बराबर होगा, ना तो सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, ना तो हीट अंदर एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, हीट का लेना देना जीरो के बराबर रहने वाला है। ऐसे प्रोसेस को आप एडियाबेटिक प्रोसेस का नाम देने वाले हैं बच्चों, ये प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, और वो नेसेसरी कंडीशन ये है कि ये प्रोसेस वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ में होता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो तुरंत आप लोगों को सुनाई दे रहा है, तो ये जो साउंड का प्रोपेगेशन है एयर में, ये हमारा एक एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन बड़ी आसान है और आपके सामने है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो है जहां पर हीट का इंटरचेंज जीरो के बराबर होता है, इसकी जो प्रोसेस स्पीड है वो वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है। अब इसके तुरंत बाद बच्चों हमारे पास में आता है प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए बच्चों इसकी प्रोसेस इक्वेशन क्या होने वाली है, बच्चों प्रोसेस इक्वेशन होने वाली है ये पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरी इक्वेशन होने वाली है टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तीसरी प्रोसेस इक्वेशन होने वाली है पी टू दी पावर वन माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास में प्रोसेस इक्वेशन होने वाली है स्टूडेंट एडियाबेटिक प्रोसेस की। ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है, ये प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में है। ये जो गामा बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, इस गामा को हम लोग नाम देंगे एडियाबेटिक गैस कॉन्स्टेंट। बच्चों गामा हमारा कहलाएगा एडियाबेटिक गैस कॉन्स्टेंट, और गामा की वैल्यू होनी है वन प्लस टू अपॉन एफ। और यार एफ के बारे में ना हम कई बार बात कर चुके हैं कि एफ क्या होता है, एफ होता है बच्चों हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने आपको बताया था कि भाई एफ क्या है, एफ है स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 है, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5 है, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 6 है, और लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 7 है। ठीक है, ये कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास में। एडियाबेटिक प्रोसेस वो जहां पर हीट का इंटरचेंज जीरो के बराबर रहता है, प्रोसेस वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ में होता है, ये हमारे पास में प्रोसेस इक्वेशन है। अगर मैं इन्हें न्यूमेरिकल टर्म में लेकर जाऊं बच्चों, तो मैं इन्हें कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों आप लोगों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, यहां से जेई और नीट दोनों के एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, तो इस पर हम क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू दी पावर गामा। सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। थर्ड इक्वेशन है बच्चों P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। ये कंडीशन हमारे पास में बनेगी। ठीक है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है, ये प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में है, ये कुल मिलाकर बच्चों हमारे पास में प्रोसेस इक्वेशन है। तो पहले हम लोग थोड़ी सी डिटेल्ड में इसी की बात कर लेते हैं,
भूलना नहीं है, मैंने अभी आपको आइसोथर्मल पढ़ाया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इक्वेशन क्या है, स्लोप क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, सभी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस जहाँ हीट का इंटरचेंज जीरो के बराबर होता है। मान लीजिए कि मेरे पास में एक थर्मोप्लास्टिक सिस्टम है और जो उसकी बाउंड्री है, उसकी वॉल है, वो ऐसे मटेरियल की बनी है कि उस मटेरियल को क्रॉस करके ना तो हीट अंदर आ सकती है और ना ही हीट बाहर जा सकती है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ना तो हीट अंदर आ सकती है ना हीट बाहर जा सकती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हीट का जो इंटरचेंज है, हीट का जो लेना देना है, वो जीरो के बराबर है। और जब हीट का इंटरचेंज जीरो के बराबर होगा तो वो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा, स्पीड वेरी फास्ट, और ये सारी इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग बच्चों एक काम करते हैं कि हम लोग यहीं से अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास में क्या बना, जरा हम लोग देखते हैं बेसिक कंडीशन क्या बन सकती है, फिर आप लोगों को वैसे ही काम करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, और बताना है ऑक्सीजन गैस के लिए। पहले पूरी बात आप सुन लीजिएगा, पूरी बात को आप सुन लीजिएगा, सुनकर अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना समय नहीं होता है कि मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखूं, आप उस बात को समझिएगा। आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन इस्टैब्लिश करना है बच्चों, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन इस्टैब्लिश करना है ऑक्सीजन गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए? ऑक्सीजन गैस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि यार एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फॉर दिस प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इन दोनों के बीच में रिलेशन होता क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो बच्चों रिलेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन है हमारे पास में। अगर मैं वॉल्यूम को इसके अपॉन में ले जाऊं तो ये बनेगा टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन, ये कंडीशन बनेगी बच्चों। बस अब हमें गामा निकालना है, हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन तो बता दिया, अब हमें निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ गामा निकालना है। देखते हैं कि गामा की वैल्यू होगी तो होगी क्या। ठीक है बच्चों, चलिए गामा का फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास में, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ। देखो बच्चों कौन सी गैस के लिए बात हो रही है, O2 गैस के लिए बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस के लिए। O2 ऑक्सीजन के दो एटम हैं, यानी डाई एटॉमिक गैस है, और डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बच्चों 5। हम लोग यहां पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा स्टूडेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, ये हमारे पास में गामा की वैल्यू हो गई। अरे बता चुके हैं यार, पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एफ की वैल्यू 3 है। डाई एटॉमिक गैस जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके लिए 5 है, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लीनियर और नॉन लीनियर गैस के लिए। यहां तो सिंपल डाई एटॉमिक गैस है, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एफ की वैल्यू हो गई 5। गामा निकल चुका है इतना, यहां पुट करेंगे टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, गामा की जगह आ जाएगा 7/5 - 1। सो टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, 7/5 में से बच्चों 1 को माइनस करेंगे, ये बनेगा 2/5। सो बच्चों दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। कौन सी गैस के लिए? ऑक्सीजन गैस के लिए। कौन से प्रोसेस के लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने देता हूं तो आपको खुद बनाना है। इस बार आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन इस्टैब्लिश करना है।
प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बनाना है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और बच्चों गैस का नाम है हीलियम। हीलियम यानी मोनो एटॉमिक गैस। हीलियम जो बच्चों हमारे पास में होती है वो मोनो एटॉमिक गैस होती है। तो अगर मैं रिलेशन को एस्टैब्लिश करूंगा तो बच्चों ये बनेगी बात, पी टू दी पावर वन माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी को ले जाते हैं अपॉन में, सो पी की पावर वन माइनस गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट को हटाकर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया और ये हो गया टी की पावर गामा। देखो स्टूडेंट गामा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, गामा निकल कर आएगा ये 1 प्लस 2 अपॉन एफ। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, एफ की वैल्यू 3, 1 प्लस 2 बाय 3, आंसर इज 5 बाय 3। बच्चों गामा की वैल्यू 5 बाय 3 है। अब मेरा काम नहीं है, आप लोगों का काम है, मेरा काम खत्म हो चुका है, सिर्फ इतना करना है ये जो गामा की वैल्यू 5 अपॉन 3 आई है बच्चों, इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर इस गामा की जगह रखना है और इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर इसकी जगह रखना है, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिलेशन बनाना आया होगा। किसी भी गैस के लिए अगर आप लोगों से रिलेशन पूछा जाएगा तो ये हमारे पास में तरीका होने वाला है, ठीक है बच्चों। चलो अभी हम लोग बात करते हैं और आगे। देखो अब कुछ पॉइंट आते हैं हमारे पास में। पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास में क्या बना, पहला पॉइंट हमारे पास में बना स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। एडियाबेटिक कर्व, देखो यार एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाता हूं बच्चों तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। ये ग्राफ जो आपके सामने हमने प्लॉट किया है ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। कुछ कुछ ऐसा ही ग्राफ आइसोथर्मल के लिए था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर मैं आइसोथर्मल का ग्राफ आपके सामने बनाऊं तो बच्चों ये था हमारा आइसोथर्मल का ग्राफ स्टूडेंट, ये हमारा आइसोथर्मल का ग्राफ था, ये हमारा एडियाबेटिक का ग्राफ है। अगर पहचान करने के लिए आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे एडियाबेटिक का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे आता है, आइसोथर्मल का ग्राफ का स्लोप थोड़ा कम है तो धीरे धीरे आता है, ठीक है आप ध्यान रखेंगे। तो पॉइंट बना स्टूडेंट हमारे पास में स्लोप ऑफ एडियाबेटिक टेन थीटा इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीवी माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी, गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी। एडियाबेटिक का जो स्लोप होने वाला है ना बच्चों वो इतना होने वाला है, माइनस गामा पी अपॉन वी। यार गामा मैं बार बार बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं गामा के बारे में आपको बता चुका हूं। गामा का फॉर्मूला है बच्चों 1 प्लस 2 अपॉन एफ, यानी मैं ये लिख सकता हूं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। बच्चों जरा ध्यान से, एडियाबेटिक का जो स्लोप होने वाला है वो आइसोथर्मल के स्लोप के गामा टाइम्स होगा, यानी एडियाबेटिक का स्लोप और आइसोथर्मल का स्लोप आपके सामने है, एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप के गामा टाइम्स होने वाला है। तो बच्चों कंडीशन आपके सामने है, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एडियाबेटिक का स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो हमारा कम है, तो नीचे वाला ग्राफ हमारा एडियाबेटिक है और ऊपर वाला ग्राफ हमारा आइसोथर्मल है। जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर पॉइंट आप लोगों को याद हैं, क्वेश्चन तो मैं खुद आप लोगों को सिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
लेकिन बशर्ते उसके लिए सारी कंडीशन, सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तभी कुछ काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ओके, सो ये कंडीशन हो गई है स्लोप को लेकर। दो तीन बार आप लिख कर देखिए, आपको याद हो जाएगा। बच्चों इसके बाद की नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारे पास में आता है इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबेटिक। देखिए इलास्टिसिटी का मतलब है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मींस स्ट्रेस है बच्चों डीपी, स्ट्रेन है डीवी अपॉन वी। और मैं आपको बता दूं इतना रहने वाला है, एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इलास्टिसिटी रहने वाली है वो इतनी रहने वाली है बच्चों, माइनस के गामा इंटू पी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबेटिक। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट ध्यान रखना है आप लोगों को। इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबेटिक गामा टाइम्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल। तुम में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे इलास्टिसिटी के बारे में भी नहीं पता है ना, तो फिर तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल याद कर लेनी है बात, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबेटिक गामा टाइम्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आइसोथर्मल। इसी के अंदर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख सकता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए अगर मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट निकालनी है बच्चों, तो फॉर्मूला होगा ये, सी एडियाबेटिक इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये बच्चों हमारे पास में स्पेसिफिक हीट होने वाली है एडियाबेटिक प्रोसेस की। हम लोग स्टूडेंट ऐसा करते हैं, आपके सामने तो लिखा हुआ है ही, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये जो डेल्टा क्यू होता है बच्चों ये जीरो के बराबर होता है। हम डेल्टा क्यू की जगह रख देते हैं जीरो, अपॉन में आएगा एन डेल्टा टी और फाइनली आंसर बन जाएगा हमारा जीरो। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट होने वाली है वो जीरो होने वाली है, और एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इलास्टिसिटी है वो इतनी है आपके सामने, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, जहां पर हीट का इंटरचेंज जीरो के बराबर रहेगा। प्रोसेस इक्वेशन वेरी, मतलब प्रोसेस की जो स्पीड है वो बहुत तेज है। प्रोसेस इक्वेशन मैंने आपको तीन बताई है, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी टू दी पावर वन माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास में, इनके बीच में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करना है मैंने आप लोगों को बताया। गामा का मतलब होता है एडियाबेटिक गैस कॉन्स्टेंट, जो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। बच्चों तीन चीज ऐसी है जो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए अगर हम लोगों को एडियाबेटिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्लोप, सेकंड इलास्टिसिटी और थर्ड स्पेसिफिक हीट। ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और आपको अच्छे से याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन की यदि हम बात करें ना बच्चों, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करता हूं, ऐसा करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ हम लोग अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमने क्या पढ़ा, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो के बराबर रहता है। रहता है या नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू। वर्क डन जो होगा ना बच्चों वो माइनस इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, माइनस इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। यानी जहां इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जहां इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी वहां वर्क नेगेटिव होगा।
अच्छा इंटरनल एनर्जी, जनरली क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को राइज करने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब देखो मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, यानी डेल्टा यू पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, वर्क आ गया नेगेटिव। यानी ये एक ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट जहां टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और गैस कंप्रेस्ड होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क आएगा हमारा नेगेटिव, और वर्क के नेगेटिव आने का मतलब यह है कि गैस हमारी कंप्रेस्ड हो रही है, गैस हमारी कंप्रेस्ड हो रही है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, सारे पॉइंट को ध्यान रखना है, लिख लिख कर देखना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेहतर रहेगा। तो नोट पॉइंट में मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट कि जो वर्क डन रहने वाला है वो माइनस के डी यू के इक्वल होगा, और डी यू के हमारे पास में होते हैं दो फॉर्मूले, एफ बाय टू पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एन आर टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन। ये सारे फॉर्मूले बच्चों हमारे इंटरनल एनर्जी के अंदर आने वाले चेंज के हैं। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी आप समझते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और उस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो इन तीन फॉर्मूलों से हम शो करते हैं, ठीक है, सभी सिचुएशन के अंदर। डेल्टा क्यू तो हमारा जीरो हो गया था, इसीलिए वर्क नेगेटिव टाइम्स हो गया था डेल्टा यू के, तीनों में से किसी वैल्यू उठाएंगे यहां तो वर्क की वैल्यू हमारी नेगेटिव में ये निकल जाएगी। तो ये कंडीशन बच्चों हमारे सामने आने वाली है। आज की क्लास में हम लोगों ने बात की आइसोथर्मल प्रोसेस की, एडियाबेटिक प्रोसेस की। मुझे उम्मीद है कि आइसोथर्मल आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसके सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, एडियाबेटिक आपको समझ में आ गया होगा, एडियाबेटिक के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं आगे, और बात करते हैं आइसोबेरिक और आइसोकोरिक वाले प्रोसेस की। ओके, सो स्टूडेंट हम लोगों ने एडियाबेटिक और आइसोथर्मल की आज की क्लास में बात की। समय थोड़ा सा कम है तो अपनी बात को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कल हम पढ़ेंगे आइसोबेरिक आइसोकोरिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि कल की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का जो रिजल्ट है वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है आप ये समझिए कि कल की क्लास में उसका कंक्लूजन निकलेगा, क्लाइमेक्स है बिल्कुल, ठीक है, और उसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर इस चैप्टर की प्रॉब्लम आप लोगों को बनानी है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूँ स्टूडेंट आपको, जिसमें इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिलेगी, वहाँ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी आप लोग बना पाए उतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और भाई जो लोग जिन लोगों ने अभी तक अपनी फीस और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, फीस सबमिट नहीं की है या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो जल्दी ही अपना रजिस्ट्रेशन कराए, आगे आप लोगों को वीडियो देखने में परेशानी आ सकती है तो उससे बचाव के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करा लें, और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप जिसका नाम है लाइफाई लर्निंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस रहेगा एक वीडियो के ज़रिए उसका SMS आप लोगों के पास में आएगा, आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, उस प्रोसेस को आप लोगों को स्टूडेंट फॉलो करना है। ओके,